और चलिए इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 13 बेटियों को पुरस्कार दिया जाएगा। 13 बेटियों को तीलू रोतेली पुरस्कार मिलेगा। IRTD सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर सभी को इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। 11:30 बजे CM धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। CM पुष्कर सिंह धामी यहां पर पुरस्कार वितरित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि CM आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहां पर सम्मानित करेंगे। 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनका चयन किया गया है पुरस्कार लेने के लिए, सम्मानित होने के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से सभी को यहां पर पुरस्कार दिए जाएंगे। 13 बेटियों को यहां पर पुरस्कार दिया जाएगा जिनका चयन हुआ है। 11:30 बजे CM धामी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और साफ तौर पर सभी को पुरस्कार वितरित करते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आएंगे। इसी के साथ यहां पर मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करेंगे। 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनका चयन किया गया है अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम के लिए, और यहां पर सम्मानित सभी को मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ 13 उत्तराखंड की बेटियां जिनको पुरस्कार दिया जाएगा, IRTD सभागार में ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे और यहां पर पुरस्कार सभी को मुख्यमंत्री देंगे। इसी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको यहां पर सम्मान देने का कार्य मुख्यमंत्री करेंगे। 13 बेटियों को तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। IRTD सभागार में आज एक कार्यक्रम रहेगा राजधानी देहरादून में, जहां पर ये तमाम पुरस्कार जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सभी को सम्मानित यहां पर करेंगे। तो उत्तराखंड से आपको बता दें कि फिलहाल आज बड़ा पुरस्कार वितरण समारोह यहां पर रहने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। IRTD सभागार है जिसमें कार्यक्रम रहेगा। एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे, वहीं उत्तराखंड से सभी जिलों से यहां पर 13 बेटियां जिनका चयन किया गया है, उन सभी को तीलू रोतेली पुरस्कार से यहां पर नवाजा जाएगा। तो उत्कृष्ट कार्य के लिए जहां पर अलग अलग जिलों से 13 बेटियां जिनका चयन यहां पर किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, उन सभी को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहां पर मुख्यमंत्री पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है पुरस्कार वितरण का ये रहने वाला है, किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखा जाए टीलू रोतेली वीरांगना जो पुरस्कार है वो 13 ऐसे जो कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को दिया जाना है, जो कि विशेष तौर पे अगर हम देखें खेल से संबंधित, इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य के अंदर बेहतर काम करने वाली उन महिलाओं और खिलाड़ियों को मिलने वाला है जिन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो राज्य के अंदर हर वर्ष टीलू रोतेली वीरांगना पुरस्कार दिया जाता है, और इस वर्ष भी 13 ऐसी महिलाओं और लड़कियों का इसमें चयन किया गया है जिनको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान अगर हम देखें 11:30 बजे इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो रखा गया है, जिसमें कि संबंधित जो महिला बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के हाथों ये सम्मान जो है वो तमाम जो इस क्षेत्र में काम करने वाले महिलाएं हैं उनको दिया जाने वाला है। और साफ तौर पर अगर हम देखें इसके अलावा 35 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको भी सम्मान से नवाजा जाएगा जिन्होंने बेहतर काम प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी के क्षेत्र में किया है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो 13 जो टीलू रोतेली पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। अगर हम देखें मानसी नेगी जो कि मौजूदा समय में चीन में जिस तरीके से दौड़ में
एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आई, और ऐसे में राज्य के अंदर अगर हम देखें तो लगातार राज्य का जो नाम है वो रोशन करती हुई नजर आ रही है। विभिन्न खेलों में वो कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रही है। यही वजह है कि 13 जिलों से हर एक जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका चयन किया गया है उत्कृष्ट कार्यों के लिए। अलग अलग जिलों से यहाँ पर किया गया है या फिर पूरे राज्य के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में जिन लड़कियों की तरफ से, जिन महिलाओं की तरफ से राज्य का नाम रोशन किया गया है उस आधार पर चयन हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं जो खेल से संबंधित क्षेत्र है, इसके अलावा अगर हम देखें पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र है, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है, इनके आधार के अलावा जिलों को भी इसमें विशेष तौर पे रखा गया है। अगर हम देखें तो मुक्केबाजी में जिस प्रकार से निवेदिता कार्की ने राज्य का नाम रोशन किया है, और ऐसे में पिथौरागढ़ से वो आती हैं और उनको भी सम्मान के तहत आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों उनको नवाजा जाएगा, टीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसी प्रकार से हरिद्वार और इसके अलावा उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ के अलावा अगर हम देखें नैनीताल, तमाम जिलों से संबंधित और उन क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हैं, अन्य क्षेत्रों में जो बेहतर काम कर रही हैं, राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, उनका चयन किया गया है। और तकरीबन 13 ये आंकड़ा है जिनको आज सम्मानित किया जाना है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इसी के साथ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनका भी यहाँ पर चयन हुआ है। लगभग 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको सम्मानित करने का कार्य यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से बेहतर काम करते हुए सेवा की गई है उन सभी को भी यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, इस सम्मान में जो प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनके कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाने का काम राज्य की जो महिला बाल विकास विभाग है उनकी तरफ से हर वर्ष किया जाता है, और इस सम्मान से उन तमाम ऐसी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी 35 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का चयन किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में आंगनबाड़ी में बेहतर काम किया है, आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं काम है उन्हें बेहतर तरीके से धरातल पे उतारने का काम किया है, चाहे वो गर्भवती महिलाओं से है, बच्चों से है, कुपोषण के जो लगातार आंकड़ों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र, बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर बाद ही आंगनबाड़ी की तमाम उन महिलाओं का जो चयन है वो किया गया है। चलिए ठीक है, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।